हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स, या सेकेंड ईयर आर्ट के लिए इकोनॉमिक्स, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब और कैसे कहाँ से हुई है और इसका उद्देश्य क्या है, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स शब्द है, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी हम कहें तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इस अंग्रेजी इकोनॉमिक्स की जो व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिया इकोनॉमिका शब्द से हुआ है, यानी हम कह सकते हैं जो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा इकोनॉमिका से हुई है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी हम कह सकते हैं जो ग्रीक भाषा इकोनॉमिया, ग्रीक भाषा भी एक है, लैटिन भाषा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है इसको अंग्रेजी में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इस अंग्रेजी वाले इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका से हुई है, या ग्रीक भाषा वो इकोनॉमिया से हुई है। ग्रीक भाषा वो इकोनॉमिया से हुई है। जो ये जो वो इकोनॉमिया शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओइकोस और प्लस नोमास, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, और इक्वल टू हो जाता है ओइको नोमिया। अब ये देख सकते हैं ओइकोस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गृह प्रबंध है, और इसका मतलब होता है नोमास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गृह, और नोमास का मतलब होता है प्रबंध। अगर इसको हम मिला दें तो ये हो जाता है गृह प्रबंध, यानी एक ऐसा अर्थशास्त्र जो घर की व्यवस्था को संचालित करता है, एक ऐसा अर्थशास्त्र जो घर की आवश्यकताओं के बीच आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, एक ऐसा अर्थशास्त्र जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन की व्यवस्था करता है, उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी वो इकोस का मतलब होता है गृह, और नोमास का मतलब होता है प्रबंध। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो गृह प्रबंध, जिसको हम बोलते हैं घर की व्यवस्था का संचालन हम कैसे करें, इसको हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत इकोनॉमिक शब्द अंग्रेजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका या ग्रीक भाषा के ओइकोनामिया शब्द से हुई है। ओइकोनामिया को दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकॉस और प्लस नोमास। ओइकॉस का मतलब होता है गृह, नोमास का मतलब होता है प्रबंध, यानी गृह प्रबंध। हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित होती है, प्रत्येक गृह प्रबंध की जो व्यवस्थाएं होती है, प्रत्येक गृहस्थ की जो आवश्यकताएं होती हैं अनंत होती है, और उसे पूरा करने, उसे संतुष्ट करने वाला जो रिसोर्सेस साधन यानी धन यानी मुद्रा, वर्तमान में देखें तो मुद्रा वो सीमित होता है। तो प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस प्रकार उचित प्रयोग करना चाहेगा कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति कम से कम संसाधन में कर सकें। आइए, इस तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा करके आपको एक और समझाने का हम प्रयास करते हैं। इसका कहने का क्या आशय है, एक छोटा वीडियो आज लेकर मैं आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं आप लेकर आऊँगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर यह व्यक्ति है, अगर यह व्यक्ति है, मैंने बताया घर की व्यवस्था यानी प्रत्येक गृहस्थ, यानी अगर गृहस्थ की जो व्यक्ति है
इसकी जो आवश्यकताएं हैं इतनी है, आवश्यकताएं हैं इतनी है, और इन आवश्यकताओं के बीच बहुत सारे चीज़, जैसे मान लीजिए टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, पहले रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, इसी के बाद टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, बहुत सारे कार, मोटर गाड़ी, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम है। क्या है यह साधन? है रिसोर्सेस, वेल्थ, धन इसको सकते हैं। आवश्यकताएं हैं, ये क्या है आपकी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता इतना बड़ा है और इसको पूरा करने के लिए आपके पास जो साधन है क्या है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। तो ही मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। ये संतुष्ट करने वाले साधन क्या हैं? सीमित होते हैं। तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आती है कि हम चुनाव करते हैं, आगे हम इसकी और भी व्याख्या अच्छे तरीके से करेंगे रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का, यानी प्रत्येक गृहस्थ अपने इस धन का प्रयोग इस प्रकार उचित प्रयाग प्रयास से करता, मतलब इस प्रकार वो करता है कि वो कम से कम धन में अधिक से अधिक संतुष्टि को प्राप्त करता है, यानी संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अगर कहने का मतलब है कि इतने छोटे धन से इतनी बड़ी आवश्यकता को पूरा करता है, तो इस प्रकार, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार के अध्ययन के लिए, मतलब कैसे हम इतनी कम आवश्यकता में इतनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो इसी को पूर्ति करने के लिए हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। हमें कबार और कहें, अर्थशास्त्र एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। यानी हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से मतलब यह है क्योंकि समाज के बीच में ही इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसका अध्ययन पड़ता है, क्योंकि हर समाज के वर्ग को धन की आवश्यकता है, समाज के हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है। तो इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधन का प्रयोग हम करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी के अध्ययन के लिए हमें अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। इसी को पूरा करने के लिए चतुराई से, मितव्ययता के साथ पूरा करने के लिए, दिमाग से हमको पूरा करने के लिए, विवेक से हमें अर्थशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा कि अर्थशास्त्र एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान है, क्या है यह? सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य के क्या है, सामाजिक, जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान होने के नाते इनके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक क्रिया क्या है, कभी कभी यह बात आता है कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो आर्थिक क्रिया में वो क्रियाएं हैं जिसका संबंध मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन का कुशलतम प्रयोग है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें मनुष्य के जो जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट करने के लिए जिन साधन का हम प्रयोग करते हैं, कुशलता के साथ, चतुराई के साथ, विवेक के साथ, उसी को हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। यानी हम कहें आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसका संबंध मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन का कुशलतम प्रयोग है। तो हमने आज देखा कि एक छोटे से वीडियो में अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत, यानी इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका या ग्रीक भाषा के ओइकोनॉमिया शब्द से हुई है। ओइकोनॉमिया को दो भागों में बांटते हैं, ओइकॉस और नोमास। ओइकॉस का मतलब होता है गृह और नोमास का मतलब होता है प्रबंध, यानी गृह प्रबंध, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर की व्यवस्था को कैसे संचालित करें। यानी प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं अनंत होती है, उसे पूरा करने के लिए साधन सीमित होता है। इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस प्रकार उचित प्रयोग करने का प्रयास करता है कि कम से कम धन में उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए। अभी जब मार्केट में जाते हैं
तो सोचते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीद करके ले आवें, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीद करके ले आवें, क्योंकि आप विवेक मानव का एक गुण है कि वो कम पैसे में और अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना पसंद करता है। अगर हम ज़्यादा पैसे दें और कम वस्तुएं खरीदें तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हम ठगा ठगा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे कि कम संसाधन में कैसे अधिक हम सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। अगर हमारा काम फैन से चल सकता है तो एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसी मत लगाइए, लेकिन आगे व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप एसी ना खरीदिए, आप फैन से अपनी काम चला लीजिए। जब आपके पास जो रिसोर्सेस धन है ज़्यादा हो जाए तो आप एसी खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कर्ज के साथ आप एसी का इस्तेमाल करें, कर्ज के साथ आलीशान बंगले का इस्तेमाल करें, कर्ज के साथ आप मकान गाड़ी का इस्तेमाल करें जो क्षमता से आपके बाहर है, तो निश्चित ही आप परेशान रहेंगे और अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती। आज के पास मतलब आज का वीडियो यहीं पर मैं लॉक करता हूँ, बंद करता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का विकास, इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक्स।